विपक्ष और जनता सभी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। सभी लोग खाने पीने की आवश्यक चीजों के बढ़ते दाम से परेशान हैं। हालत ऐसी हो गई है कि पूछिए मत। संसद से लेकर सड़क तक हाहाकार मचा हुआ है। आज के डेट में इन्फ्लेशन यानी महंगाई सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। आप भी बढ़ती महंगाई के विरोध में पॉलिटिकल पार्टीज का प्रदर्शन और नारेबाजी देखते और सुनते होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जो आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है। महंगाई को लेकर एक चिट्ठी जबरदस्त वायरल हो रही है। चिट्ठी लिखने वाले से लेकर जिसको चिट्ठी भेजी जा रही है सब खबर बन गए हैं। तो आइए इस खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। असल में कन्नौज उत्तर प्रदेश में रहने वाली 6 साल की मासूम लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। 6 साल की इस लड़की का नाम कीर्ति दुबे है। इस लेटर में उसने महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री को खूब खरी खोटी सुनाई है। लड़की ने कहा कि मोदी जी, आप मेरे खाने और पढ़ने लिखने वाली चीजों को सस्ता कर दीजिए, ये अभी बहुत महंगी मिल रही है। इस बढ़ी हुई कीमतों की वजह से मैं रोज डांट सुनती रहती हूँ, यहाँ तक कि मुझे मार भी खाना पड़ता है। तो आप भी चौंक गए होंगे कि लड़की किस चीज के बारे में प्रधानमंत्री को घेर रही है। असल में लड़की ने पेंसिल, रबड़ और मैगी के दामों को लेकर प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। लड़की ने लेटर में लिखा है कि मेरा नाम कीर्ति दुबे है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मोदी जी, आपने बहुत अधिक मूल्य वृद्धि की है, यहाँ तक कि मेरी पेंसिल और रबड़ भी महंगी हो गई है और मैगी की कीमत भी बढ़ा दी गई है। अब मेरी माँ पेंसिल मांगने पर मुझे मारती हैं, मैं क्या करूँ, दूसरे बच्चे भी मेरी पेंसिल चुरा लेते हैं। बता दें, सरकार ने हाल ही में GST की दरों में बदलाव किया। सरकार की ओर से कॉपी किताब, रबड़ और पेंसिल पर टैक्स लगाया गया, जिससे इनकी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। लड़की की चिट्ठी ऐसी वायरल हुई कि इसकी गूंज संसद में चल रहे मानसून सत्र में भी सुनाई गई। संसद के मानसून सत्र में वित्त मंत्री महंगाई पर सरकार का पक्ष रख रही थी। इसी बीच उन्होंने इस मामले का संज्ञान लेते हुए बताया कि सरकार ने सिर्फ ब्रांडेड वस्तुओं पर GST की दरों में बदलाव किया है, लूज सामानों पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि ये दरों में बदलाव केवल केंद्र सरकार का निर्णय नहीं होता है, इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री रहते हैं। सभी लोग GST काउंसिल की बैठक में सामूहिक निर्णय लेते हैं। अब देखना होगा कि लड़की वित्त मंत्री की बात से संतुष्ट होती है या फिर उसे प्रधानमंत्री के पास ही जाकर गुहार लगाना होगा। यूपी से एक लड़की ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा पेंसिल का दर के ऊपर। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सर, पेंसिल के ऊपर कोई चेंज नहीं किया गया। ओके सर, बच्ची ने लिखा है, ठीक है, मगर बच्ची ने किसको लिखा है सर? माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनको भरोसा है उन तक लेटर पहुंचेगा, वो सुनेंगे और उनको जो करना है वो करने के लिए वो तैयार रहेंगे। किसी और को तो वो लिखने के लिए वो बच्ची का